अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आदरणीय माता पिता, छात्रों की शैक्षणिक सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। छात्र जगत में हम ESS के नाम से विख्यात हैं। मेरा नाम जूरित ऑल्सन फैलन है और मैं ESS का डायरेक्टर हूं। जैसा कि हमने आपकी वेबसाइट में उल्लेख किया है, ESS में हमारा मिशन है कि हम अपने छात्रों को इस प्रकार सशक्त बना सकें ताकि वे सक्रिय एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण शिक्षार्थी के रूप में विद्वत्चन एवं शोधकर्ताओं के समुदाय में परिपूर्ण प्रतिभागी के तरह केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में अपनी संभाव्यताओं को पूरा कर सकें। हम अगस्त 2010 के अनुमुखीकरण कार्यक्रम CWRU में पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। वास्तव में ESS सभी अंतर्राष्ट्रीय अंडर ग्रेजुएट छात्रों को अपनी सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष सत्र का आयोजन करेगा। पिछली पतझड़ और वसंत में मुझे चीन और कोरिया के प्रथम वर्ष के 14 छात्रों का कोलेकन क्लास में पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपनी कक्षा में एक साथ व्यतीत किए गए इन 9 महीने तथा मेरे कार्यालय एवं कैंपस कार्यक्रम में हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। एक और जहां मैंने उन्हें कॉलेज पेपर अंग्रेजी में लिखना सिखाया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने मुझे स्वदेश में अपने शैक्षणिक अनुभवों और किसी अमेरिकन विश्वविद्यालय से कॉलेज की डिग्री पूरा करने के अपने सपने के बारे में बताया। चूंकि आपका बेटा अथवा बेटी एक नए देश, नए कैंपस और नई शिक्षण पद्धति अपनाने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, यहाँ पर ESS आपके सहयोग के लिए उपलब्ध है। हमारी सेवाओं की श्रृंखला में 190 देशों में मुफ्त ट्यूशन इंजीनियर एवं विज्ञान कक्षाओं के लिए सहकर्मी के नेतृत्व में पाठ्यक्रम समीक्षा सत्र, जिसे पूरक निर्देश SI कहा जाता है, एवं स्थायी अथवा स्थायी विकलांगता के लिए सहायता सम्मिलित है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की विशेष रुचि के लिए अकादमिक सहायता की 2 टीमें नामित सेजिस पीयर ट्यूटरिंग क्रू, जो कि लेखन सहायता उपलब्ध कराती है, तथा स्पोकन इंग्लिश ट्यूटर, जो कि उच्चारण दोष का ट्यूशन प्रदान करती है। तथापि सर्वाधिक महत्वपूर्ण में हमारी व्यक्तिगत परामर्श नए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी अमेरिका कक्षाओं में अपनी बेहतरीन शिक्षण पद्धति निर्धारित करते हैं। अतः हम कुशल और प्रभावी अध्ययन पद्धतियों पर चर्चा करने के लिए उनसे मिलना चाहते हैं। वे या तो 216-368-5230 पर कॉल करके मुलाकात निश्चित कर सकते हैं अथवा सीयर्स 470 में हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। जेम्स एलर। मेरा नाम जेम्स एलर है। मैं शैक्षणिक संसाधनों के लिए ESS का एसोसिएट डायरेक्टर हूं। मैं पूरक निर्देश कार्यक्रम तथा ESS पीयर ट्यूटरिंग की देखरेख करता हूं। ये कार्यक्रम उस शैक्षणिक दर्शन पर आधारित है जहां छात्र तब सबसे ज्यादा सीखते हैं जब वे शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभागिता कर रहे होते हैं। SI और सहकर्मी ट्यूटर कार्यक्रम हमारे छात्रों को अन्य छात्रों के सामाजिक ताने बाने के साथ जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराते हैं, जिसमें उस एक दूसरे से मिलकर ज्ञानार्जन होता है, जिससे अंततः चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री को गहराई से समझा जा सकता है। मेरे अन्य साथियों की तरह मैं भी छात्रों को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उपलब्ध रहता हूं, ताकि उन्हें समय प्रबंधन और अध्ययन रणनीतियों में मदद मिल सके तथा वे कॉलेज अध्ययन कक्षा एवं CWRU परिसर में अपने आप को समायोजित कर सकें। मैं नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं, ताकि CWRU में उनका समय सफलता पूर्वक हो सके। सूजन सैमसन। मेरा नाम सूजन सैमसन है। मैं विकलांगता संसाधन में ESS एसोसिएट डायरेक्टर हूं। मैं केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में विकलांग छात्रों के लिए शैक्षणिक सेवाएं, कैंपस में एक
कार्यालय है जहां पर छात्रों को विकलांगता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि उनका मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के साथ व्यक्तिगत रूप से काम करने के अलावा मैं विकलांग छात्रों को और उनकी जरूरतों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए संपूर्ण कैंपस समुदाय के साथ मिलकर काम करता हूँ। मैं विकलांग छात्रों के साथ कार्यरत फैकल्टी तथा स्टाफ सदस्यों की सहायता करता हूँ ताकि वे अपना उत्तरदायित्व समझा सकें। मैं विकलांग छात्रों के साथ उनके अधिकारों के अलावा इनके उत्तरदायित्वों को भी बोझ करने के लिए प्रयासरत करता हूँ। मेरा लक्ष्य केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के सभी कार्यक्रमों एवं सेवाओं की पहुंच विकलांग छात्रों को सुलभ कराने हैं। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया सीयर्स 470 में हमारे कार्यालय में पधारें। लेस्ली रॉजर्स। मेरा नाम लेस्ली रॉजर्स है। मैं एएसएस में विकलांग छात्रों के साथ काम करती हूँ। यदि आप विकलांग छात्र हैं तो आपको प्रथमतः हमारी वेबसाइट पर हमारी नीतियां एवं पद्धतियों की समीक्षा करनी चाहिए। समीक्षा करते समय आपको ज्ञान होगा कि आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप का इस्तेमाल करते हुए अपनी विकलांगता जाहिर करनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी विकलांगता संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी में हमारे पास प्रस्तुत करनी चाहिए। आपका दस्तावेज प्रारूप हो जाने के उपरांत हम इनकी समीक्षा करेंगे और आपकी विकलांगता के अनुरूप आवास व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यदि आप अपनी विकलांगता के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो कृपया मुझसे अथवा सुजैन से व्यक्तिगत रूप में मिलें। हम आपकी सहायता करने की आगे क्या कदम उठाना जाना है। रोंडा मूर। हेलो, मेरा नाम रोंडा मूर है। मैं ESS का कार्यक्रम समन्वयक हूँ। मैं आवास जीवन एवं क्रीक जीवन छात्र संगठनों और कक्षाओं के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यशालाओं का सृजन एवं निष्पादन करती हूँ। अपने समय प्रबंधन तथा अध्ययन रणनीति में सुधार लाने के लिए मैं छात्रों से व्यक्तिगत तौर पर चर्चा करने के लिए मिलती हूँ तथा उनके साथ काम करती हूँ। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सक्सेस स्ट्रेटजी एवं जस्ट इन केस नामक ऑनलाइन संसाधन भी उपलब्ध हैं, जहाँ पर छात्रों से इन विषयों की जानकारी प्राप्त हो सकती है। मैं कंप्यूटर सेवाओं को प्रभारी हूँ भी हूँ। ESS में अध्ययन कक्षों, कंप्यूटर एवं प्रिंटिंग सुविधाएं, रसोई घर, खेल घर तथा कक्षाएं न होने पर छात्रों को इस्तेमाल के लिए सामूहिक जगह से युक्त कंप्यूटर लाउंज भी है। लाउंज ट्विन सेंटर वेस्ट में निचले तल पर स्थित है और यात्री छात्रों के लिए अन्य छात्रों से मिलने तथा कैंपस समुदाय में घुलने मिलने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। वैनब्रे। मैं वैनब्रे हूँ। ई लर्निंग एवं सहायक तकनीक का समन्वयक हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सेंटर की प्रबंधक व्यवस्था देखता हूँ, जो स्वतंत्र एवं सामूहिक शिक्षण का एक केंद्र है तथा वहाँ पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारी कार्यशालाओं में छात्र प्रौद्योगिकी का उत्पादक के रूप से इस्तेमाल करने सीखते हैं, जिससे वे अपने अध्ययन कौशल, समय प्रबंधन, प्रस्तुतिकरण कौशल एवं समग्र शिक्षण में सुधार ला सकें। मेरे काम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है विकलांग छात्रों की सहायता करना तथा उपयुक्त सहायक प्रौद्योगिकी का चुनाव एवं उसे सीखना। हमारी कंप्यूटर प्रणाली सर्वाधिक सामान्य उपयोगी सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर से सुसज्जित है। यदि हमारी सेवाओं के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे टेलीफोन नंबर 216-368-8825 पर सहर्ष बात कर सकते हैं अथवा आप जुरित ऑल्सन फैलन को ईमेल कर सकते हैं। ESS में हम सभी छात्रों की सहायता के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं ताकि वे संभावनाओं के परे की सोच सकें।